और चले बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस पार्टी और सेना पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। हमले में 11 जवानों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। इलाके को सील कर दिया गया है। वहीं इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बताया जा रहा है कि सेना की 183 बटालियन और पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है। फिर ये बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस पार्टी और सेना पर ग्रेनेड से हमला। फिर गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। हमले में 11 जवानों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। इलाके को सील कर दिया गया है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। यह बताया जा रहा है कि सेना की 183 बटालियन और पुलिस पार्टी पर यह हमला हुआ है। फिर कश्मीर में शांति बहाली और सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के श्रीनगर दौरे पर हैं इस वक्त। और राजनाथ सिंह से आज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में गृह मंत्री से मुलाकात की और घाटी में जल्द से अमन बहाली की मांग की। कश्मीर रवाना होने से पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जिनका कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत में यकीन है उनका स्वागत है। राजनाथ के दौरे से ठीक पहले घाटी में 11 साल बाद फिर से बीएसएफ की तैनाती की गई। कल आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग भी कश्मीर घाटी पहुंचे थे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि राज्य में सभी हितधारकों से राजनीतिक वार्ता की जाए। अमन पसंद लोग इस ख्याल में कि कीमती जानों को अब बचाने की ज़रूरत है, उनको आके मिलना चाहिए। जिस तरह होम मिनिस्टर साहब ने ट्विटर के ज़रिए दिल्ली से निकलने से पहले कहा कि जो भी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत में भरोसा करे और मुझसे मिलना चाहे वो आके मिले, अब इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हो। इंसानियत, अगर ज़रा सी भी हमें इंसानियत है या हमें जमहूरियत में भरोसा है या हम कश्मीरियत में भरोसा रखते हैं तो मिलने में कोई एतराज़ नहीं है, मिले।